कि आप तो जिस तरह का जोश उत्साह देख रहे हैं, इसी तरह गांव में, गलियों में, मोहल्लों में उत्साह है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके कामों से, उनकी योजनाओं से लोग खुशी हैं। लोगों को इस बात की खुशी है कि हम लोग सरकार में शामिल हुए हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं वो सबके यहाँ तक पहुँचाने के लिए हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी का धारदार भाषण, धारदार बातें आम जनता के पक्ष में क्या जारी रहेंगी? जारी रहेंगी, लड़ाई अपनी जारी रहेगी। खासतौर से सर, जिस तरह से आपने उपेक्षितों की आवाज उठाई है सदन से लेके सड़क तक, तो क्या माना जाए कि उसके एवज में आपने ना सिर्फ विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, आने वाला लोकसभा का भी प्रदर्शन आपका अच्छा होगा? बहुत अच्छा होगा। हम लोग वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते हैं। उनके हर काम में हम लोग सहयोग करने के लिए पूरी सरकार सहयोग करेगी। पोर्टफोलियो को लेकर कोई बात तो नहीं हुई है सर? नहीं, कुछ नहीं। तो क्या माना जाए सर, लोकसभा चुनाव के बाद आपने बिहार में भी कदम रखा था, क्या उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भी कदम आपका रखा? बिल्कुल रहेगा। 10 तारीख को बिहार जा रहे हैं। आज के दिन को कैसे याद करेंगे आप? आज का दिन खास है। देखिए, हमारे लिए रोज की तरह है। आज भी जैसे हैं वैसे सब दिन रहते हैं। जब 20-20, 25-25 हजार, 50-50 हजार लोग उठते हैं, इसी तरह का उत्साह जो रैलियों में रहता है, मीटिंगों में रहता है, सभाओं में रहता है, इसी तरह का जोश। आप कहीं भी जाए, बिहार चलिए, यूपी चलिए, पंजाब चलिए, दिल्ली जाइए, गुजरात जाइए, जहां भी जाएंगे इसी तरह का उत्साह जोश हमारे कार्यकर्ताओं में। आखिरी सवाल, ओम प्रकाश चालीसा जारी रहेगा उन लोगों के लिए? विपक्षी लोगों के लिए तो उनको अगर दुख है, राजनीतिक बीमारी लगी है, तो निश्चित है कि ओम प्रकाश राजभर चालीसा पढ़ना पड़ेगा। चुनाव के ऐन पहले कुछ तो परेशानियां सरकार महसूस कर रही है कि लगातार लोगों को, नए लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है, दलों को एडजस्ट किया जा रहा है और 400 पार भी जा रहे हैं। तो ये 400 पार सिर्फ नारा है, इससे इतना तो आपको समझ लेना चाहिए। और जो सरकार बार बार ये सब कर रही है, उससे सरकार की कमजोरी दिखती है। वरना चुनावी में जाने की रात को कोई मंत्रिमंडल विस्तार करता है क्या?